पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा की पूर्व पार्षद प्रत्याशी रही फरा अंसारी ने वायरल हो रही वीडियो का सच बताने के लिए आज पत्रकारों से वार्ता की। फरा अंसारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर आजकल उनका एक विशेष वीडियो वायरल किया जा रहा है। फरा अंसारी ने वायरल वीडियो को अधूरा सच बताया है। उनका कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत उनकी एक अधूरी वीडियो वायरल की जा रही है, जबकि पूरा वीडियो कुछ और ही है। उनका कहना है कि वीडियो की पूरी निष्पक्षता के साथ पुलिस जांच करे और जो लोग वीडियो को वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरा अंसारी ने बताया कि मेरा जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ना तो शुरुआत ही दिखाई गई है और ना ही वीडियो का अंत, कि किस तरह से झगड़े की शुरुआत हुई और एक महिला के साथ दबंगों ने किस तरह की बदसलूक की। क्या कहना है फरा अंसारी का, आप सब भी सुनिए। ये एक वीडियो वायरल हो रही है जिससे कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया है इस झगड़े को। जो वीडियो बार बार दिखाई जा रही है, तब की सच्चाई कुछ और है। सच्चाई जिस वजह से हुई है, मतलब जो वीडियो वायरल हो रखी है उससे कि उससे पहले की एक वीडियो, पूरी वीडियो है जो नहीं दिखाई जा रही है। इसकी वजह जो है वो एक डीजे की को लेकर हुई थी। जो पार्षद है कांग्रेस के नन्ना उप परवेज की, उनके घर एक पार्टी हो रखी थी। उस पार्टी में एक डीजे बहुत लाउड चल रहा था। उसमें किसी अदर पर्सन ने पुलिस को संपर्क किया या बताया हो, उस पर पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद इन लोगों ने निशाना मुझ पे साधा और मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी पुलिस के सामने। जबकि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी। मुझे उकसाया गया कि नीचे आ, ये वो, बहुत गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी गई। जबकि मेरे पापा उस चीज़ से एक हार्ट पेशेंट थे और पापा को उसी वक्त एक अटैक पड़ा। मैंने पापा को नहीं देखा था कि अटैक पड़ चुका है। मैं एक गुस्से में नीचे गई कि हाँ, मैंने बोला कि भाई मुझे गालियाँ किस वजह से दे रहे हो आप लोग। तो मैंने उस पर गालियाँ भी दी उनको, जब उन्होंने मुझे गंदी गंदी गाली दी सिपाहियों के सामने। तो उन्होंने बोला कि भाई तू उससे जो कराया जाए तू कर ले, ये है वो है। उस पर मार पिटाई उन्होंने मेरे साथ शुरू कर दी। कपड़े वगैरह इन्होंने मेरे साथ साथ फाड़े, मुझे खींचा गया सब। वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई? जबकि एक चैनल जो बार बार मेरी वीडियो वो वाली दिखा रहा है जिसमें मैं उनको अब शब्द दे रही हूँ, तब से उसके पहले जो वीडियो दिखाई दी गई, जो वीडियो है जिसमें वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई जा रही? एक पक्ष की ही बार बार वीडियो दिखाई जा रही है जिससे मेरी छवि ख़राब की जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब वीडियो पूरी वीडियो है तो पूरी वीडियो दिखाई जाए। मुकदमा पंजीकृत हो रखा है तो मुकदमे की कॉपी क्यों नहीं दिखाई गई? पूरा मामला एक चल रहा है और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी दिखाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी एक साइड है और वीडियो वायरल भी हो रही है, तो मामला है क्या? मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ और जानकारी भी करना चाहती हूँ इस चीज़ की कि वीडियो जो वायरल हो रही है ये क्यों हो रही है, तबकि एक मुकदमा चल रहा है, तबकि मेरी पार्टी को और मुझे निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है इसमें। तबकि एक आम नागरिक के तौर पर आप देखेंगे तो क्या एक महिला के साथ जो वीडियो वायरल हो रही है उससे वीडियो में मुझे गंदी गंदी गाली दी जा रही है, उसी वीडियो में मेरे साथ मार पिटाई हो रही है, मेरे कपड़े फट रहे हैं, वो वीडियो क्यों वायरल नहीं की जा रही? उसमें भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। मैं ये कहना चाहूँ पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की है? बिल्कुल कार्रवाई इसमें हुई है, पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत करा रखा है। हमारे बयान बाकी हैं इसमें, बाकी कार्रवाई चलेगी आगे। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इस पर अगर कार्रवाई हो सबसे सख्त, तो जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी पूरी तहकीकात की जाए, पूरी वीडियो दिखाई जाए, उसमें दिखाया जाएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत गाली किसने शुरू की है, नीचे उकसा बुलाने के लिए उकसाया किसने है। मैं पुलिस से उम्मीद करती हूँ और पुलिस से मैं ये अपील करती हूँ हाथ जोड़ करके कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर संपर्क करें और उसकी तहकीकात करें कि किस एंगल से ये, किसने ये वीडियो वायरल करवाई है, किस पक्ष तक की पक्ष मेरा लेना चाहिए, अधिकारियों का लेना चाहिए, मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसके बारे में भी जानकारी करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें एक साइड कर करके सिर्फ मेरी ही वीडियो वायरल क्यों की जा रही है, मेरी ही छवि ख़राब क्यों की जा रही है? तो मैं पुलिस से एक अपील करना चाहूँगी कि पूरी वीडियो दिखाई जाए, शुरुआत दिखाई जाए, लास्ट दिखाई जाए, और जो मेरी वीडियो है उसे तो सब में वायरल कर ही दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ पुलिस से मैं अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके कि इसकी तहकीकात करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।